सब्सक्राइब कीजिए ओमर जी एक्सप्लोरर को, बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट न्यूज़ सबसे पहले पाने के लिए, और यह है बिल्कुल फ्री। हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स और फ्रेंड्स, हमेशा के तरीके आज भी मेरे पास बहुत ही इंटरेस्टिंग न्यूज़ है और बहुत ही कमाल की न्यूज़ है। तो देखते रहिए इस वीडियो को एंड तक, वरना आप लोग बहुत कुछ मिस कर जाओगे। सो गाइस, हुआ क्या है कि आर्टिकल 370 के हटने के बाद से पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा हलचल चल रही है, और इसी से रिलेटेड पाकिस्तानी प्रधानमंत्री इमरान खान ने कुछ डिप्लोमेटिक कदम उठाए हैं पाकिस्तान की संसद में, जिसके बारे में मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताने वाला हूं, और साथ ही बताऊंगा कि क्या रिएक्शन रहा पाकिस्तानी मीडिया का आर्टिकल 370 के ऊपर। लेकिन वीडियो स्टार्ट करूं इससे पहले मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल ओमर जी एक्सप्लोरर को सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे दिखाए रेड कलर के बटन को टच करके हमारे चैनल सब्सक्राइब कीजिए, और बाद में आने वाले नोटिफिकेशन बेल को ऑन करना मत भूलना। तो गाइस, पाकिस्तान ने कुछ बहुत ही अजीबोगरीब डिप्लोमेटिक अपने कदम उठाए हैं, और वो उनमें से एक कुछ कदम मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट और 5 बड़े कदम हैं। तो आइए जानते हैं उसके बारे में। तो गाइस, जो पहला कदम है वो ये है कि पाकिस्तान ने अपने उच्चायोग जो कि भारत में है उसे वापस बुला लिया है, और जो भारत का पाकिस्तान में है उसे वहाँ से भेजने की पूरी तैयारी कर ली है। अब अगर हम बात करें उसके सेकेंड कदम की, तो वो ये है कि पाकिस्तान अपना एयर स्पेस भारतीय विमानों के लिए पूरी तरीके से बंद कर देगा, क्योंकि वो नहीं चाहता कि पाकिस्तान की तरफ से भारत को किसी भी तरह का कोई फ़ायदा हो पाए। और इसके साथ ही अगर तीसरे की बात करें, तो थर्ड जो है वो ये है कि पाकिस्तान ने बोला है कि वो आर्टिकल 370 को बिना पूछे हटाने के लिए चीन से इसके बारे में बात करेगा, और चौथे में उसने बोला है कि वो इसके बारे में यूनाइटेड नेशन में भी जाएगा। तो गाइस, ये तो कुछ हो गए 4 इम्पॉर्टेंट थिंग्स जो कि पाकिस्तान ने कुछ ऐसा सोचा है, और वो इसके बारे में लगातार काम करता जा रहा है कि वो इसे पूरी तरीके से अप्लाई कर पाए। अगर हम बात करते हैं पांचवे की, तो पांचवा ये है कि पाकिस्तान ने पूरी तरीके से आयात निर्यात को भारत की तरफ से पूर्ण रूप से बंद कर दिया है। तो अब काफ़ी सारे लोगों का मानना है कि इसमें भारत का किसी भी तरह का कोई नुकसान नहीं होने वाला, क्योंकि भारत की जहां अर्थव्यवस्था $3 ट्रिलियन की है, वहाँ 25 रुपये का कोई भी फ़र्क नहीं पड़ने वाला है भारत को। अब अगर हम बात करते हैं छठे, और जो एक एक्स्ट्रा टॉपिक है वो ये है कि पाकिस्तान ने 14 अगस्त को अपना स्वतंत्रता दिवस मनाने की घोषणा की है, और साथ ही 15 अगस्त को काला दिवस मनाएगा। तो गाइस, ये शायद इंडिया को बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं लगेगा, और इसके बारे में इंडिया कोई ज़रूर एक्शन लेगा। अब अगर हम बात कर रहे हैं पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन कि क्या रहता है 370 के बाद, तो वो लोग भी काफ़ी ज़्यादा बौखलाए हुए हैं। लेकिन उन्हें ये चीज़ सोचनी चाहिए कि जिनसे बलूचिस्तान भी नहीं संभला, वो कश्मीर को लेकर क्या करेंगे। जिनकी GDP खुद बहुत ज़्यादा कम है, वो किसी और राज्य को अपने में जोड़कर अपनी GDP को और कम क्यों करने की कोशिश करेंगे। तो ये चीज़ें उन्हें समझनी चाहिए। आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके बताना, वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करना मत भूलना, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल ओमर जी एक्सप्लोरर को सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे दिखाए रेड कलर के बटन को टच करके हमारे चैनल सब्सक्राइब कीजिए। अभी के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।